टीचर बोला, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? छात्र बोला, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है, पहला कारण डर से, दूसरा कारण शौक से, और बिना वजह के हम शौक रखते नहीं और डरते तो किसी की बाप से नहीं। पत्नी बोली, तुमने कभी मुझे सोना हीरा या मोती गिफ्ट नहीं दिया। पति ने तुरंत एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी बोली, ये क्या है? पति बोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पत्नी ने एक जोर का थप्पड़ गाल पर जकड़ कर बोली, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। पति का बोलती बंद। टीचर स्टूडेंट से, बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क है? स्टूडेंट बोला, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, ड्राइवर सोया तो सबका टिकट कट जाएगा। लड़की वाले लड़का देखने आए। लड़की वाले बोले, लड़का शराब पीता है क्या? लड़का वाले बोले, जी बिल्कुल पीता है और रोज पीता है। लड़की वाले सोचने लगे, इसका मतलब अच्छा कमाता है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। क्या बात है, रिश्ता वही सोच नहीं। बीबी बोली, अजी सुनते हो, खुश नसीब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पति बोला, अनमैरिड। पत्नी, दे बेलन दे चिमटा। पिता पुत्र से, अगर तू फिर परीक्षा में फेल हो गया तो मुझे पापा मत बोलना। रिजल्ट के बाद, पिता तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? पुत्र बोला, दिमाग खराब मत कर मदनलाल, तूने बाप होने का हक खो दिया है। साइंस की टीचर क्लास में पढ़ा रही थी। टीचर ने पप्पू से कहा, तू बता जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? पप्पू बोला, मुझे पता नहीं है। टीचर बोली, अरे जो आता है वही बता दे। पप्पू बोला, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मैडम दे थप्पड़ दे थप्पड़। टीचर, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्म तक नहीं दे सकते। टीचर बोला, बताओ एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट बोला, सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के।